जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि 16 जून अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस है। इस पे कुछ बच्चों ने एक्ट किया है जो रियल भी है, जैसा होता भी है, इन बच्चों ने खुद ही फील करके किया है। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा कि एक घरेलू कामगार को कैसे सब लोग फोन मार रहे थे, कैसे कह रहे थे कि तेरा कुछ काम नहीं, बहुत सारी चीज की इज्जत नहीं, क्योंकि हमारे कामों को काम नहीं समझा जाता या हमारा खून खून नहीं होता, दूसरों का खून खून होता है। तो इसके ऊपर बच्चों ने कुछ एक्ट बनाए, तो चलिए अब एक्ट शुरू करते हैं। कैसी है मुन्नी की तबीयत? लास्ट से तो ठीक ही है। अरे अरे कहाँ ठीक है, इसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ऐसा करना आज तुम काम पर मत जाना। अरे नहीं, मैं काम पे नहीं जाऊंगी, तो मेरी मैम साहब मुझे निकाल देंगे उसके घर। आप जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा मालिक से छुट्टी लेने की, ठीक है? और तुम काम पर चले जाना चाहिए। मैंने ना दवाइयाँ रख दी, तू ले लियो, ठीक है? दवाइयाँ पास करके देख, अब मेरा भी टाइम हो रहा है, मैं भी चाह रही, मैं भी बहुत लेट हो रही हूँ। कहाँ मर गए, ऑफिस जाना है मेरे को, 5 मिनट लेट हो गया मैं इसके चक्कर में। मालिक नमस्ते। कहाँ गया था तू अभी तक, तुझे पता है 5 मिनट लेट हो गया मैं तेरे चक्कर में? मेरे अंदर 400 वर्कर काम करते हैं। मालिक मुन्नी की तबीयत खराब। मार बहाने, मुन्नी की तबीयत खराब थी, तुम्हें तो बहाने चाहिए मुन्नी की तबीयत खराब थी। मालिक बहाने नहीं मार रहा, माने बहाने नहीं मार रहा, और क्या तुम्हें पता है तुम, मैं 5 मिनट लेट हूँ ऑफिस आने के लिए। गलती हो गई मालिक, आज मेरे घर पर क्लाइंट आने वाला है, अगर तुम घर छोड़ के कहीं गए ना तो देख लेना, मेरी मीटिंग है क्लाइंटों के साथ, शाम को आता हूँ मैं। मालिक एक बात कहनी थी। शाम को आता हूँ मैं। अब मैम साहब नमस्ते। अरे अरे आ गई महारानी, थोड़ी और लेट हो जाती। मैम साहब मेरी ना मुन्नी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी इसलिए। बस रहने दे तू, बस तुम्हें तो छुट्टी के लिए मौका चाहिए, काम के से तुम बसते रहते हो, कभी ये बीमार है कभी वो बीमार है, आज तेरी बेटी बीमार हो गई। मैम साहब मेरी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी इसलिए। बस चुप हो जा, और बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, जा रहे जल्दी से घर के काम कर। बोला था ना कि कल मेहमान आने वाले मेरे, और मेहमान आने वाले, घर के काम सारे हो जाने चाहिए, जल्दी। अरे शांति आ गई तू? हाँ मैम साहब नमस्ते। बड़ी लेट आई है, बोला था ना मैं मालकिन से डांट खाई ना। ये क्या कर रहे हो? अरे ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लोगों की पूरी बेवकूफ़ी जानता हूँ मैं, ठीक है? और मैं बोल रहा हूँ मेरा कमरा सामने ही है, सीधा वहीं पे आया, मालकिन के धोने के जाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो जब छुट्टी चाहिए ना। क्या कर रहे हो सब लोग? अरे ये मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ, जो भी कुछ सीधा काम कर, सही से काम कर। चलो मेहमान आ रहे हैं, जाइए पिक करके आइए, और तुम सफाई ढंग से करो। पूजा ये तेरी बहन आ गई, सुबह से चिल्लाई थी मेरी बहन आने वाली, लोग अंदर ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो बढ़िया, तू बता। और बता। ओ महारानी आ के पानी लेके आ, तुम बैठो मैं। चलो आज तो मुन्नी की बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब थी, चलो थोड़ा फोन ही कर लेती हूँ, मैंने साहब का फोन रखा है। अरे अरे ये क्या कर रही है तू, फोन चुरा रही है, तुझे शर्म नहीं आता फोन चुरा था, अपनी मालकिन का फोन चुरा रही है। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? फोन नहीं चुरा रही थी। चलो तुझे पता है आज तो तेरा फोन चला ही जाता, तेरा फोन चुरा रही थी। सुबह से डाउट हो रहा था मुझे, तू कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगी। मैम साहब और अब ये चोरी, चुप हो जा। फोन नहीं चुरा रही मेरी मुन्नी की ना फोन है। मुंह बंद कर, एक तो चोरी भी ऊपर से सीना चोरी भी, फोन नहीं चला रही थी, झूठी कर रही थी। चुप हो जा तू, अपना चेहरा आईना से मुझे दिखा मत दियो। तुझे पता है पिछले बार ना मेरी भाई ने भी मेरे घर से चोरी की थी, मैंने तो उसे पुलिस स्टेशन में दे दिया, तू भी इसको दे दे,
बस और कोई बहाना नहीं मिला तो लड़की की तबीयत खराब है इसलिए तो चोरी करने लगी थी है ना। मैम साहब निकल जा मेरे आन में, नजरों से दूर हो जा तू, चली जा मेरे घर से। तनख्वाह हाय हाय किस बात की तनख्वाह दूं तुझे, चोरी करने की तनख्वाह दूं, निकल जा यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने, ये हमारी महिला घरेलू कामगार जो जिनको जबरदस्ती दबाया जाता है, चाहे वो पुलिस का डर दिखा के चाहे मालिक का, कि वो आवाज कभी उठा ही ना सके। क्यों नहीं उठा सके, उनके ऊपर खुद ही मजबूरी होती है क्योंकि उनका घर ही खुद इससे चलता है, वो क्या करे। और इसका चाहे छेड़छाड़ हो, मतलब एक घरेलू कामगार को वो अपना ही समझ बैठते हैं, कुछ सैलरी क्या देने लगे, अपना हक ही जताने लगते हैं, छेड़छाड़ हो चाहे कुछ, उसे हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए, बस काम का पूरा दाम दो, हमें भी बदले का सामान दो, काम का पूरा दाम दो, हमें भी बदले का सामान दो, काम का पूरा दाम दो, हमें भी बदले का सामान दो, काम का पूरा दाम दो, हमें भी बदले का सामान दो। कितनी धूल जम गई है। हेलो, क्या मुन्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई? अच्छा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। अरे मुन्नी कैसी है? अरे तेरी मुन्नी मरने वाली है, जल्दी भाग के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा। प्राइवेट में कहाँ ले जाऊँ मैं? अरे मियाँ बीबी काम कर रहे हो, इतना पैसा तो जमा कर लिया होगा ना। पैसे बचते कहाँ है, तू अब टाइम वेस्ट मत कर, नहीं मर जाएगी, सरकारी हॉस्पिटल भाग के ले जा। उठ मुन्नी। हाँ बस घर पहुँचने वाला है, घर जाके मेल करता हूँ। अरे मेरे घर पे डाला मैंने, कहाँ मर गए, क्या चुराग ले गया मेरे घर से, पता नहीं क्या लेगा चुराग। 10 मिनट कहाँ गया था तू मेरा घर छोड़ के? मालिक घर गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा घर छोड़ के जाने की? मुझे पता नहीं, मेरे क्लाइंट आने वाले थे आज, पता नहीं कितने क्लाइंट वापस गए होंगे। मालिक मुन्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, बाहर बहाने मुन्नी की तबीयत खराब हो गई, फिर बस सुबह बहाने यही मारा था, मुन्नी की तबीयत खराब हो गई है ना। नहीं मालिक बाहर आज की मैंने सैलरी ले, एक पैसा नहीं दूंगा तुझे मैं। मालिक आप आज की सैलरी काट लीजिए। क्यों आज की सैलरी काट लूं, तू घर छोड़ के गया कैसे मेरा? मालिक दया कीजिए। क्या दया कीजिए, निकल जा मेरे घर से, निकल मेरे घर से। हाँ मालिक, करते होंगे आपके अंदर 400 वर्कर काम, तो क्या मैं वर्कर नहीं हूँ, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? आप उन वर्करों को तो महीने में 4 दिन छुट्टी दे देते हो, क्या मुझे कोई हक नहीं है? आपके बच्चे बच्चे हमारे बच्चे नहीं है क्या? आपके बच्चों में खून है, हमारे बच्चों में खून नहीं है क्या? ये था पूरा घरेलू कामगार का, कि शायद हम घर पे जाके काम भी करें, दूसरों के झाड़ू पोछा भी करें, बर्तन भी धोए, हम लोगों की वजह से साफ लोग काम पे भी जाए, हम लोग पूरा घर का देखभाल भी करें, कहीं धूल भी आ जाती है तो उसको सही से साफ करें, और इसके बाद भी हमें सिर्फ एक चोर का नाम दिया जाता है। हम कुछ भी करने जाए उससे पहले ही हम पे 100 तरह की चीज़ डाल दी जाती है। हमें क्या चाहिए, अब एक छुट्टी भी नहीं। 400 वर्कर अंडर काम करते हैं, उनकी छुट्टी छुट्टी है, हम लोगों की छुट्टी नहीं, क्योंकि हमारा तो खून अलग है, हम तो यहाँ पैदा होकर हम लोगों ने गलती की, हमारा पैसा है ये, हमने गलती की, क्यों हमें क्यों हक नहीं है, हमारे लिए क्यों रूल नहीं है, हमें क्यों रूल कोई नहीं देना चाहता, हम क्या चाहते हैं? हमें भी छुट्टी का अधिकार, हमें भी छुट्टी का अधिकार, लागू करे हरियाणा सरकार, हमें भी छुट्टी का अधिकार, लागू करे हरियाणा।